अभी हाल ही में कानपुर में हुए ट्रेन डिरेल की घटना के बाद अब यूपी के फरुखाबाद में भी एक ऐसा मामला सामने आ चुका है। फरुखाबाद में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने की स्थिति में आ गया था, लेकिन वो बच गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। देखिए, फरुखाबाद की भटासा के पास ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। यहां ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। ट्रैक से जैसे ही फरुखाबाद एक्सप्रेस गुजरी, लकड़ी का टुकड़ा इंजन में फंस गया। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और इससे हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है रेलवे ट्रैक पर रखा था लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा करीब 137 सेंटीमीटर लंबा, इसके सिरे की गोलाई 65 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे की गोलाई 75 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े का वजन करीब 35 किलोग्राम था। ट्रेन कासगंज से फरुखाबाद जा रही थी। ये घटना शुक्रवार रात की है। घटना से 2 से 3 घंटे पहले यहाँ से 2 ट्रेनें गुजरी थी। रेलवे इंजीनियर ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फरुखाबाद एक्सप्रेस कायमगंज रेलवे स्टेशन से शुक्रवार रात 11:18 पर रवाना हुई। ये जब फरुखाबाद के लिए बढ़ी तो बटासा के पास ट्रैक पर किसी ने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया था। ट्रेन के ड्राइवर ने इसे देख लिया और सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक ली। ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर की थी। इससे इंजन में लकड़ी का टुकड़ा फंस गया, जो कुछ दूर तक घसीटते हुए गया। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इसके बाद 25 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। रेल कर्मियों ने रेलवे ट्रैक पर रखा लकड़ी का टुकड़ा हटाया। इसके बाद ट्रेन शमशाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची और हादसे के बाद ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने घटना की सूचना रेलवे स्टेशन पर अफसरों को दी। इसके बाद कासगंज और बरेली से रेलवे की टीम आई और ट्रैक की जांच पड़ताल की। पुलिस टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली, लेकिन कोई जानकारी नहीं होने पर कोतवाली कायमगंज में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। जांच के दौरान कुछ दूरी पर आम का कटा पेड़ मिला, कुछ दूरी पर शराब की बोतल भी पड़ी मिली। पेड़ की लकड़ी को उठाकर रेलवे ट्रैक पर डाला गया। उधर इस मामले के खुलासे के लिए एसपी ने एसओजी के साथ कोतवाली पुलिस को भी लगाया है। थाना गया कायमगंज क्षेत्र के भटासा हॉल्ट के पास फरुखाबाद कासगंज फास्ट पैसेंजर जब आ रही थी रात्रि के 11:30 तो इंजन के पहियों के नीचे ट्रैक पर रखा हुआ लकड़ी का तना उसके इंजन में फंस गया, जो करीब 600-700 मीटर के बाद वो फिर गाड़ी रुकी और उसको फिर तने को वहाँ से निकाला गया। इसके विषय में सुसंगत धाराओं में थाना कायमगंज पर मुकदमा कायम किया गया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं, मुझे लगता है कि वो जगह जहाँ पे ये घटना हुई उसके बगल में उसी तरह के एक आम का पेड़ गिरा हुआ था और उसके कुछ डाल और डालियाँ टूटी हुई थी। उन्हीं में से एक डाली को उठा करके कुछ शरारतियों के द्वारा वहाँ ट्रैक पर डाला गया था। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश की गई थी। मामला 16 अगस्त की रात का है, जहां गोविंदपुरी के पास वाराणसी से अहमदाबाद जा रही अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस 19168 के एक बड़े धमाके के साथ डिरेल हो गई। गहरी नींद में सो रहे यात्री को समझ पाते उससे पहले ही ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। रात के अंधेरे में तुरंत किसी को एहसास नहीं हो पाया कि क्या हुआ। ट्रेन के बाहर घुप अंधेरा था और धुआं और गुबार फैला हुआ था। नींद से अचानक जागे यात्री बदहवासी में नीचे उतर आए। गनीमत रही कि कोई डिब्बा पलटा नहीं। मैं सुबह एकदम उठा था, मुझे नहीं देखा कुछ। नहीं चला हादसा, कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। भाई साहब कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप, कैसे हादसा हुआ? ये यहाँ से लखनऊ से जा रहे थे आनंद जी, ऐसा हादसा हुआ। एक बाइक फटाकड़े जैसे आवाज आई, उस बाद पूरी ट्रेन पलटरी से नीचे उतर गई। क्या देखा जब, क्या धुआं वगैरह था, क्या था? एक बाइक जब धुआं होने की बात नहीं, जैसे पत्थर जब टूटा उसमें से, तो पूरी बोगी के अंदर ऐसा लगे कि ट्रेन के अंदर आग लग गई। फिर आवाज इतनी खतरनाक आ रही, तो ये पता कि ट्रेन से जो है उतर गई पटरी से, बस इतनी बात हुई। भाई इतना तेज आवाज आया और हम लोग सोए थे, और जैसे कि रोड पर गाड़ी चल रही है ऐसा आवाज आया। हम लोग पूरे भगदड़ के हिसाब से और गाड़ी ट्रेन में सब उतरने की तैयारी में, एकाएक गाड़ी खड़ी, एक सेकंड के अंदर में गाड़ी खड़ी हो गई, और कम से कम मान चलिए कि पूरी गाड़ी में आदमी पब्लिक भरे होता। हम लोग इधर बैठे थे तो हम लोग शीशे बंद कर दिया, कोई पत्थर उठा के न झटक दे, इधर पुल उतरने लगे सर, तो हम लोग देखे तो गाड़ी गई पटरी है, इधर खाली हो गया पटरी उसका। गनीमत ये भी रही कि किसी भी यात्री को गहरी चोट भी नहीं आई।
रेल विभाग की पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा की थी। घटना स्थल से सभी यात्रियों को 27 बसों और एक मेमो ट्रेन के माध्यम से कानपुर सेंट्रल के लिए रवाना किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना शुरू किया। वहीं ट्रेन हादसे को लेकर जांच तेज हो गई। स्थानीय प्रशासन, आईबी और एटीएस के बाद अब एनआईए की टीम भी जांच में जुट गई है और इस बीच प्राथमिक जांच में भी साजिश की बात कही जा रही है। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त ट्रेन की रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रेन के इंजन से बोल्डर टकराया है, 16 जगह पर चोट के निशान है, या ये कहा जाए 16 जगह टकराए जाने के निशान है और जो इंजन है उसके क्षतिग्रस्त होने के निशान है। इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा ट्रेन के 22 डिब्बे डीरेल हो गए थे, जिसके बाद साजिश की आशंका मामले में जताई जा रही थी और लगातार जांच की जा रही थी। साजिश की आशंका के चलते ही पनकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन जिस तरीके से अब इस रिपोर्ट में भी साजिश की बात निकल करके सामने आई है, ऐसे में एनआईए ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के 2 अधिकारी कानपुर पहुंचे हैं और वो लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, एसएजे की टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें उन्होंने 34 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें ट्रेन के चालक, सहायक चालक, गार्ड सहित तमाम लोगों के बयान शामिल हैं। आपको बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस के चालक एपी सिंह बुंदेला और सहायक चालक ने घटना वाले दिन ही बयान दिया था कि चलती ट्रेन में ट्रैक पर कोई बोल्डर दिखाई पड़ा था, जब तक ब्रेक लगाई जाती तब तक ट्रेन का इंजन जोरदार तरीके से उससे टकरा गया, तभी खड़खड़ाहट की आवाज के साथ ट्रेन डिरेल हो गई। अब नजर डालते हैं यूपी में बीते 10 सालों में हुए ट्रेन हादसे पर। गोंडा में 18 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। गोंडा ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हुई जबकि 30 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ में 20 फरवरी 2020 को इंटरसिटी एक्सप्रेस की 10 बोगिया पटरी से उतर गई। 2019 में कानपुर में पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 18 अगस्त 2017 को पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर में हादसे का शिकार हुई। मुजफ्फरनगर ट्रेन हादसे में 23 लोगों की मौत और करीब 60 लोग घायल हुए। 23 अगस्त 2017 को औरैया में कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई। कानपुर में 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। कानपुर ट्रेन हादसे में करीब 150 यात्रियों की हुई थी मौत और 150 से ज्यादा हुए घायल। 20 मार्च 2015 को रायबरेली में देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। हर बार रेलवे की तरफ से कवच जैसी प्रणाली अपनाने का दावा किया जाता है, लेकिन शायद से सभी ट्रेनों में नहीं लग सका है। अगर ये कोई चूक है तो वहाँ सुधार की जरूरत है, और अगर ये कोई साजिश है तो रेलवे को पहले से ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के डीरेल होने के मामले की जांच जारी है। इस मामले में आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास किया गया। ये जांच अभी जारी थी। इसी दौरान फरुखाबाद में ट्रेन के डिरेल किए जाने की साजिश का मामला सामने आया है। ट्रेन की पटरियों पर एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा रख दिया गया था। माना जा रहा है कि इसे ट्रेन को डिरेल करने के लिए रखा गया था। आपको बता दें कि यह टुकड़ा ट्रेन के इंजन से टकराया और तकरीबन 700 मीटर तक ट्रेन का इंजन उसे घसीटते हुए ले गया। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेनें आतंकियों के निशाने पर हैं? शरारती तत्व पटरियों के माध्यम से ट्रेन को डिरेल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तमिल सिंह के साथ श्याम तिवारी।